सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के जैसे कि टाइटल तो हमने आपने देखा होगा, आज हम अपने सिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी ऑल्टरनेट में डबल डिन स्टीरियो इंस्टॉल कर रखा है, जो कि स्क्रीन वाला आता है डबल डिन। तो इस वाले सिस्टम में और जो हमारे कंपनी का स्टॉक सिस्टम आता है या फिर हम कोई छोटा आफ्टर मार्केट सिंगल डिन लगाते हैं, उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है इसको लगाने के बाद, साउंड क्वालिटी कैसी रहने वाली है, बेस क्वालिटी कैसी रहती है, और अगर आपकी गाड़ी में बेस कम आ रहा है तो उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर आपके स्पीकर की साउंड उतनी प्रॉपर नहीं आ रही है कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की वीडियो में हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये स्पेशली ऑल्टरनेट के लिए ही नहीं है, काफी सारी और गाड़ियों के लिए भी है। अगर आपकी गाड़ी में ऐसे सिंगल डिन आते हैं कंपनी की तरफ से और अगर आपको उसमें लग रहा है साउंड आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा उसका एक अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, तो आपको ये डबल डिन लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। मुझे इसको यूज करते हुए अप्रॉक्स 1 से 2 साल हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी थी जब मैंने इसको पूरा इंस्टॉल करा था अपनी गाड़ी में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कैसे इसका इंस्टॉलेशन हुआ था। फिलहाल आज हम इंस्टॉलेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, बेसिक सी चीजें पकड़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे साउंड क्वालिटी के लिए। जो स्पेशली देखो, डबल डिन इंसान तभी लगाता है जब उसको डिस्प्ले का ज्यादा यूज होता है या फिर अगर कैमरे वगैरह की ज्यादा उसको जरूरत होती है। लुक के लिए भी लगाते हैं और साउंड के लिए, मतलब ऐसा होता है ना, अगर आप डबल डिन पे जा रहे हो तो आपको सस्ता नहीं लगाना चाहिए, महंगा लगाना चाहिए, ऐसा एक मिथ भी चल रहा है मार्केट में कि सस्ते डबल डिन अच्छा आउटपुट नहीं देते हैं, बेकार देते हैं, सिर्फ एंड्रॉइड अच्छा देते हैं, तो वो भी आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको मैं। और दोस्तों, कुछ बात और भी थी, जैसे कि आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपनी कम्युनिटी पोल में काफी सारे ऑप्शंस दिए थे आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन करें, तो मैंने ये साइड मिरर वगैरह हो गए, रियर पावर विंडो हो गई, बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे, और उसमें सबसे ज्यादा रेटिंग जिसको आई है वो चीज़ मैं कर रहा हूं अभी। और मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सामान वगैरह अरेंज करने में टाइम लग रहा है, बस जैसे ही वो सब सामान अरेंज हो जाएगा अगली वीडियो के बाद सारे पार्ट्स मिलने लग जाएंगे, और ऐसे कंटेंट है शायद से यूट्यूब में पहली बार होंगे किसी भी ऑल्टो 800 में ऐसी सारी मॉडिफिकेशन हुई, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़। तो जैसी वीडियोज़ वगैरह आएंगी आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू। सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो गाइज, मैंने उस टाइम पे अप्रोक्स 6 या 7 थाउजेंड का आता था, और आज से 2-3 साल पहले लिया था। उस टाइम पे एंड्रॉइड का उतना क्रेज नहीं था, आजकल तो भाई हर जगह एंड्रॉइड सिस्टम ही आ रहे हैं, और करीबन 9 से 10 हज़ार के बीच में आपको एंड्रॉइड सिस्टम देखने को मिल जाएंगे, जो अच्छी खासी मतलब आपको एक क्वालिटी भी दे देते हैं और उनकी जो फंक्शनैलिटी होती काफ़ी अच्छी रहती है। तो मतलब 9 से 10 हज़ार में आपको अच्छे खासे एंड्रॉइड सिस्टम मिल जाते हैं, पर उस टाइम पर सिर्फ डबल डिन ऐसे ही स्क्रीन वाले आते थे, तो तब मैंने लिया था। अब मैं सोच रहा हूँ इसको भी अपग्रेड करने का, वो देखेंगे आगे। तो फिलहाल अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, अगर हम कनेक्टिविटी वाइज देखें ब्लूटूथ से, तो यार देखो कभी कभी तो बहुत अच्छा वर्क करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, कभी कभी प्रॉब्लम करता है, और ये प्रॉब्लम मतलब आप कह सकते हो कि 1 साल जब इसको पूरा हुआ है ना उसके बाद से ही शुरू हुई है, पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी इसमें, अभी उसके बाद से ही इसमें स्टार्टअप आया, थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो रही है, बट चलो वो थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि बहुत नहीं, अगर बहुत होगी तो फिर इसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन हमारी गाड़ी में अब ऑक्स वगैरह मैं यूज कभी नहीं करता हूं। जैसे यहां पे देखते हैं ऑक्स लगाने की आपको स्पेस मिल जाती है, पर मैं यहाँ पे ऑक्स यूज़ नहीं करता हूँ, पेनड्राइव भी कभी यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ यूएस अपने जो है ना ब्लूटूथ पे ही गाने चलते हैं इसमें। तो अगर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी तो फिर इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं रहेगा, फिर इसका कुछ भी मतलब एकदम कह सकते हैं ना यूजलेस वाली चीज़। वीडियो में आपको मैं इसका साउंड आउटपुट और जो सिंपल वाले स्टीरियो आते हैं ना उन दोनों का साउंड आउटपुट सुनाने वाला हूँ। सेम स्पीकर रहेंगे जो भी अभी लगे हुए हैं, वो पहले भी लगे थे, और बेस ट्यूब सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आप समझ पाओगे कि इसमें और उस वाले में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्वालिटी खुल के नहीं आ रही थी तो फिर मुझे इसमें ट्विटर लगाने पड़े, फ्रंट में मैंने आगे से ट्विटर लगाए थे इसमें, पर मैं आपको एक चीज बोलूं, ट्विटर लगाने के बाद इतनी गंदी साउंड क्वालिटी होगी ना गाड़ी की, कानों में आवाज चुभने लग गई थी, क्योंकि एक तो ना मतलब बहुत ज्यादा ही जो होती है ना ये साउंड बहुत इरिटेट कर देती है, वो चीज इसमें होने लग गई थी, इसलिए कुछ टाइम बाद मैंने उसे हटा लिया था। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कोई भी इसमें ट्विटर नहीं लग रखे, और ना मुझे इसमें जरूरत है ट्विटर लगाने की, एक बेस्ट साउंड निकाल के मेरा सिस्टम दे रहा है अभी। फिलहाल मैं अगर बोलूं पहले के हिसाब से, पहले बहुत ही ज्यादा ऐसे ना छनकार कहते हैं, बहुत ज्यादा छनकार आती थी इसमें, तो वो कानों में ना एकदम इरिटेशन कर रही थी, जब आप गाड़ी चला रहे थे चुभ रही थी, बार बार आपको सिस्टम की साउंड डाउन करनी पड़ी थी, वो चीज हो रही थी। अभी भी आप उस वीडियो में देखना आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइज, अगर मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग की बात करूँ तो आपको पता होगा कि इसमें ऑल्टो 800 में सिंगल डिन की स्पेस मिलती है, यहाँ पे हज़ार्ड का स्विच होता है, ठीक है। अब हज़ार्ड का स्विच हमें पूरा काटना पड़ा, अगर इसको फिट करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि इतने में ही निपट जा रहा था सब कुछ, ठीक है। इससे नीचे जो था अपना हज़ार्ड स्विच था, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस खाली रहती है, एक्स्ट्रा स्पेस रहती है यहाँ पे खाली, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इस फ्रेम को थोड़ा सा काटा है, उसके बाद ही इसको फिट करा है, और फिटिंग इतनी बढ़िया है गाइस, आज तक मतलब कोई इशू नहीं आ रखा है, ना कभी हिलता है, देखो एक बार आप, बिल्कुल टाइट फिट है, बिल्कुल नहीं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नट वट से कसा है, जो भी मतलब करेगा ना पूरा जुगाड़ से फिट है ये वाला सिस्टम। बाद में इसका पूरा फ्रेम भी आता है आपको वो मिल जाए, और मैंने उसको ऑनलाइन भी सर्च कराया, ऑनलाइन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, 1800 रुपए का आपको फ्रेम मिलता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज्यादा ही था, इसलिए मैंने उसे नहीं मंगाया। जब तक अपना काम चल रहा है बढ़िया तब तक ऐसे चलाएंगे इसको। हज़ार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं नीचे हमारा हज़ार्ड स्विच है, देखो आप, कोई इशू नहीं है, हज़ार्ड स्विच अच्छे से वर्क करता है, बस थोड़ा नीचे लटक गया है, बट वो कोई ऐसे बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सारे भाइयों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम ऐसी नई गाड़ी में अपग्रेड करते हैं, हालांकि अब की जो ऑल्टरनेट आती है नई वाली
उनमें तो डबल डिन की स्पेस ऑलरेडी मिल जाती है। अगर किसी के पास थोड़ा पुराना वाला वेरिएंट है जो वारंटी के अंदर आता है, ये सब काटने के बाद आपकी वारंटी अवॉइड होगी या नहीं होगी, तो मैं आपको एक चीज सिंपली बता दूं भाई। देखो इसमें जो वायरिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कंपनी की स्टॉक वायरिंग आती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको पूरा अंदर से काट कूट के सब अलग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको ये दिख रहा है ना, इसी को फिट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है और आपको डबल लेंस स्टीरियो चाहिए, तो आप एक काम करो, या तो फ्रेम खरीद लो वाला, अगर वो थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है। ऐसा है ना, अमेजोन में जो प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा है, सच्चाई है, क्योंकि अगर आप 1800 प्लस ऐसे डिलीवरी चार्ज लगा के 2000 का पड़ जाता है, तो 2000 रुपए फ्रेम पे खर्च करना मेरे हिसाब से कुछ अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप चाहोगे तो ऐसा कर सकते हो कि इसको काट लो और ऐसा ही फ्रेम मंगा के रख लो अपने पास एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर कभी आपको वारंटी लेनी पड़ती है, सिंपली कुछ मत करो भाई, इन वापस से वाला फ्रेम लगा लो और आप वारंटी क्लेम ले सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी तार वार कट रही है, तार बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अंदर, तार ज्यादा इसमें कोई कटिंग और आता है कि क्या हम इसमें चार स्पीकर लगा सकते हैं। देखो भाई, ऑल्टरनेट के हिसाब से आपको फ्रंट के ही दो स्पीकर की स्पेस मिलती है, बाकी अगर आप लगाना चाहते हो तो एक्स्ट्रा जो रियर पार्सल ट्रे आती है उसमें फिट करवा सकते हो, या फिर एडिशनल कोई बॉक्स लगा के पीछे डिग्गी में फिट कर सकते हो, वो एक ऑप्शन रहता है अपने पास। पर हमने क्या करा है कि अपनी अपने जो दरवाजा है ना, अपने उन पे हमने जो है स्पीकर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो इसलिए चार स्पीकर ये आराम से झेलेगा, कोई इशू नहीं आने वाला। मैं तो अभी भी यूज़ कर रहा हूँ इसको, कोई इशू नहीं आता है, और अच्छी क्वालिटी के स्पीकर हैं, ऐसा नहीं। फ्रंट के अपने JBL वाले हैं, पीछे अपने सॉन्ग बर्ड के लगे हैं, और सॉन्ग बर्ड मतलब अच्छा वर्क कर रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा अभी मेरे को, लग नहीं रहा उनकी आवाज़ सुन के कोई इशू आएगा। तो मतलब चार स्पीकर आप इसमें आराम से चला सकते हो, एक बेस ट्यूब भी आपके साथ लगा सकते हो। आपको लगता है कि इसका आउटपुट कम आ रहा है तो आपको इसमें एम्पलीफायर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं आपको एक सीधी बात बोलता हूं। देखो भाई, मैंने अपग्रेड करा है, जो सिंपल वाला आता था ना, एक्चुअली वो सिंपल नहीं था, वो कंपनी का ही स्पीकर मतलब सिस्टम लिया था मैं। आपको बताओगे ना, जो एजेंसी होती है मारुति की, वहां पे आपको काफी सारे सिस्टम और ये स्पीकर वगैरह सब मिल जाते हैं, तो मैंने वहीं से फिट करवाया था अपनी गाड़ी में बहुत पहले, तो वो मुझे करीबन 6000 का समथिंग का मिल गया था, प्लस उसमें 2000 ऐसे, मतलब टोटल जो था पूरी फिटिंग के साथ 8000 का गाड़ी में फिट हो गया था। उसके बाद मैंने जब इसे इंस्टॉल करा, तो मैं एक चीज़ बोलूंगा आपको भाई, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया। पहले मुझे लग रहा था शायद से इतना फर्क नहीं आएगा, अच्छा ही बजेगा, और मुझे लग रहा था ये शायद से लोकल है, पर वैसे बोलूंगा ना, जितने मैंने इसके ऊपर पे कर आपसे, बहुत बेस्ट। सिंपल वाला हमारा स्टीरियो आता था, उसमें साउंड मुझे ऐसा लगता था थोड़ी दबी दबी सी आ रही है, मतलब मुझे ना ऐसा फील होता था कि गाड़ी में ट्विटर की जरूरत है ही, अगर ट्विटर नहीं होंगे तो अपने स्पीकर अच्छे से काम नहीं करेंगे। या मेरे को ये भी डाउट जा रहा था, जो हमने स्पीकर लगा रखे हैं फ्रंट में वो शायद उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, पर जब मैंने इसके साथ अपग्रेड करा, क्वालिटी जो है अच्छी हो गई, साउंड जो है स्पीकर की खुल गई है, हल्की वाली साउंड होगी, बेस साउंड होगी, मिड साउंड होगी, सारी साउंड इक्वल बैलेंस के साथ अब गाड़ी में आ रही है। अगर मैं अपनी गाड़ी से बेस ट्यूब हटा दूं ना, तब काफी अच्छा रिस्पांस आएगा, ऐसा नहीं कि बिन बेस ट्यूब के नहीं चला जाएगा। पहले होता था, जैसे अगर बेस ट्यूब हटा दी तो मजा नहीं आता था, पर अभी जो है इनका जो आउटपुट है काफी अच्छा है। गाड़ी में पुराना कंपनी का स्टॉक सिस्टम लगा है, और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा लग रहा है कि साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, दबी दबी सी आ रही है, तो कैसे उसको सही कर सकते हैं? तो यार देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपको अपनी गाड़ी में एम्प लगाना है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जिनकी गाड़ी में कंपनी के स्टॉक सिस्टम लगे हैं, ये आफ्टर मार्केट वाले नहीं, स्टॉक सिस्टम लगे हैं, उनकी गाड़ी में आप एकदम से एम्पलीफायर की वायरिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्पेशल अडेप्टर खरीदना पड़ता है पीछे से, मैं स्क्रीन पर आपको फोटो दिखा दूंगा उसकी, क्योंकि आपकी गाड़ी में पीछे जो होती है ना, वो क्लिप्स लगाने की स्पेस नहीं होती है, जो सिंपल वाले आते हैं ना कंपनी के स्टॉक, उसमें स्पेस बिल्कुल नहीं आती है। आपको आफ्टर मार्केट थोड़ा एक अल्टरनेशन करवा के उनको फिट करवाना पड़ेगा, तभी एम्पलीफायर गाड़ी में फिट होंगे, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी में स्पीकरों के लिए एम्प लगवा सकते हैं, ठीक है। आप चाहो 4 चैनल लगाना चाहो, 2 चैनल लगाना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हम इस वाले सिस्टम के बेस की बात करें, तो बेस की क्वालिटी टॉप नॉच है गाइस, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कोई सी दिक्कत नहीं हो रही है, और मतलब कह सकते हैं ना, एक डीप बेस, वो बेस अभी मुझे इसमें फील हो रहा है। मेरी गाड़ी में फिलहाल वर्ल्टेक की बेस ट्यूब लगी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत हाई एंड है, ऐसी बेस ट्यूब है जो मतलब एक लोअर सेगमेंट से काफी उठी हुई है और हायर सेगमेंट से थोड़ी नीची है। मिड वाली बेस ट्यूब हमने अपनी गाड़ी में लगा रखी है, और मैं सच बोलूं भाई, मेरे को अभी तक ऐसा फील नहीं होता है कि मेरे को इसको अपग्रेड करवाना चाहिए। तो छोटी सी गाड़ी है, मतलब इसमें ज्यादा ऐसे कोई बहुत बड़ी बेस ट्यूब की जरूरत नहीं है, जैसे अगर आपके पास फॉर्च्यूनर इनोवा गाड़ियां हैं, तो इनमें क्या होता है कैबिन बहुत बड़ा होता है, तो आपको शायद से जरूरत पड़ सकती है, पर अपनी तो छोटी सी गाड़ी है। इसमें ये वाली बेस ट्यूब बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि इसमें बेस ट्यूब अपग्रेड करने की जरूरत है। तो लगे हाथ अगर हम इसके टच रिस्पांस की बात करें, टच रिस्पांस देख सकते हैं, मतलब ठीक है, थोड़ा सा हार्ड टच मांगता है कभी, और लैग हल्का हल्का फुल्का करता है, ज्यादा लैग तो ये नहीं करता है, बट थोड़ा बहुत तो करेगा ही, क्योंकि टाइम भी इसको काफी हो जाएगा। जब स्टार्टिंग में आया था बहुत अच्छा वर्क करता था, धीरे धीरे समय के साथ थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके एक बार साउंड सुना देता हूँ, कैसी इसकी साउंड आ रही है। पहले आप स्टॉक की साउंड सुन लीजिए, जो पहले हमने लगाया था ना, और ये पहले की वीडियो है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। करते हैं
आज की इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें समझा दिया है, कैसा मैंने सिस्टम लगा रखा है, कौन सा सिस्टम लगा रखा है, कैसे फिटिंग हुई है, सब मैंने बता दिया है। अगर मेरे से कोई चीज छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का जितना जल्दी हो सके। बाकी अगर आप पर्सनली कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।